वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ और बता दी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए कि मैं बहुत दिन से बात व्लॉग कर रहा हूँ और नीचे बहुत देर से हमारे श्री 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 108 प्रवीण खुराना जी वेट कर रहे हैं, जिनसे जाके तुरंत मिल के और किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, जो अभी व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड बहुत तहलका मचने वाला है अगले कुछ व्लॉग्स के अंदर। एक्चुअली आई एम हेयर फॉर अ कोविड टेस्ट, किसी पर्पज़ के लिए करवा रहा हूँ, कुछ धमाकेदार अच्छा करने के लिए। धमाकेदार क्या, बहुत टाइम हो गया था वो कुछ किए हुए, तो सोचा चल यार और ना कुछ करते, कोविड टेस्ट ही करा लो, क्या पता हमारा कोविड पॉजिटिव ना आ जाए। मी एंड मिस्टर खुराना वॉन्ट्स टू डू अवर कोविड टेस्ट, मे बी अगर पॉजिटिव आया तो डेट। कितना भैया भाई चॉकलेट हमें दे दो। 1632 1632 बताना कॉन्टेक्ट नंबर 99533। हाँ ये जो है ना ये करोड़पति आदमी पुराना साहब करोड़पति हैं ये। चलिए चॉकलेट खा लिए हैं, चलो। अच्छा ईशान दू की कहना है, नहीं मिलिया सामान ही उन्होंने कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ मिली है तेरे को। कट्टो मिली है, मैं तो सारी गल्ला दसा उन्होंने। चल नहीं किधर भाई साहब, मैं गंदे काम नहीं करता, बिल्कुल सीधा साधा बंदा हूँ यार, तुम मैंने बिगाड़ मारे हैं। अच्छा इतना शरीफ बच्चा पूरे इलाके से नहीं मिले। चलो ठीक है मामा, ठीक है। मेरे शैम्पू यूज़ नहीं किया ना तुमने, समझ लेना क्या होगा, 1600 रुपये का आया ये, सच बता रहा हूँ। मैंने कहा जब मैं घर आया उसके बाद इतनी नींद आ रही थी क्योंकि फिर सुबह की शिफ्ट करी थी और सो गया था, और हम जल्दी उठ जाते हैं, कोई बात नहीं अभी हम उठ गए हैं सो करके, अब जाना है साइकिलिंग करने के लिए। और संयम बहुत देर से हमारे को कॉल कर रहा था कि भैया जल्दी कर लो साइकिल के लिए चलना है, चलते हैं कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कोविड टेस्ट क्यों करवाया था, अभी बताऊँ, चलो एंड में बता दूँ कोविड टेस्ट मैंने क्यों करवाया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो कोविड टेस्ट हो रहा था जब मेरा, तो द वीडियो वॉज सपोज टू शूट बाय मिस्टर खुराना एंड रेस्ट आंसर आप सबको पता है कि वो वीडियो मेरे पास नहीं है। सो फाइनली गाइज आई एम बैक फ्रॉम द साइकिलिंग। और भाई पहले जब मैंने साइकिलिंग ना कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट की है, और जब पहले मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी थी तो बहुत टाइम मतलब लाइक होता था यार, मतलब 5-10 किलोमीटर में इतना थक जाना, इतना कुछ हो जाना, लेकिन अब सब सही तो है, क्या दिक्कत है। मम्मी हमेशा कहती है दीपक जब भी तू व्लॉग बनाए ना शीशे का बैकग्राउंड सही कर दिया अगर, ये लो और क्या चाहिए। मेरी गलती तो नहीं है ना कुछ, सारी तो मेरी है। मेरी गलती तो नहीं है ना, कहते हो सारी तेरी गलती। हाँ तो जो पहले दिन मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी थी ना, तो पहले दिन ऐसा था कि 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर में ही कुत्ते ऐसा आपने लग जाते थे, लेकिन अब मम्मी आज देखो ना इंडिया गेट से वापस आए और 20-22 किलोमीटर होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, फ्रेश फील करो, फ्रेश आपका लड़का फ्रेश फील करता है। मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि मैंने आज कोविड टेस्ट क्यों कराया, और मुझे इतना रिग्रेशन हो रहे हैं ना मम्मी आज, मैं मामा को 15 मिनट से कैमरा दे के खड़ा हुआ था, ठीक है। एक्चुअली क्या था, वो जो बंदा था जो कोविड टेस्ट करने वाला था ना, वो अपनी पीपी किट पहन रहा था, ठीक है, जो वाइट कलर की किट होती है ना, हैं मामा तब से कैमरा लेके खड़ा हुआ है मेरे को, मेरी तरफ रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और जब उसने मेरा टेस्ट किया ना, रंडी डाली ना, तब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। मुझे इतना गुस्सा हो रहा था यार, ये क्या है यार, हद हो गई। और अच्छी बात ये थी कि मैं नेगेटिव ही आया, उसके बाद उसमें ना एक्चुअली क्या लिखा हुआ था, हैज़ नॉट टेस्टेड पॉजिटिव, है ना। और उसके बाद मैंने ना नोट उसका ना वो छोटा सा लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं नोट किया, अरे नोट मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया इतना ज़्यादा, थोड़ा सा माइंड उस वक्त मतलब इधर ही उधर भाग रहा था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने पढ़ा हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव, नोट मैंने पढ़ा नहीं, छोटा सा लिखा हुआ, ओ भाई मैं परेशान हूँ, मैं कहा ये क्या हो गया भाई मेरे साथ, आज मैं पॉजिटिव कैसे आ गया। पता मैंने कहीं जाने के लिए ही आज कोविड टेस्ट करवाया है, और जहाँ वहाँ पर जाने के लिए कोविड टेस्ट जो है मैंडेटरी है, ठीक है। एनी वहाँ पे तो होगा ही, बट फिर भी यहाँ पे भी कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, ऐसा वहाँ की गाइडलाइंस हैं, तो हमें गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ेंगी।
फॉर्चुनेटली और बहुत टाइम बाद मुझे एक एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिली है वीक ऑफ के साथ, एंड आई एम रियली हैप्पी. कोई बात नहीं, हो जाता है. मैंने सुबह बनाए थे, नहीं सुबह नहीं, मैंने दोपहर को राजमा चावल बनाए थे और मैंने खाए नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं. अभी मैं राजमा चावल खाने के लिए बैठा हूँ, आज खाते हैं खाना, उसके बाद व्लॉग का एंड करेंगे. व्लॉग का एंड कैसे करेंगे, और आई एम रियली सॉरी बॉस, आई एम रियली सॉरी गाइस. बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं डाला था. तुम भी कहोगे यार अभी तो इसलिए शुरू किया और अभी कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, पर हाँ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला था. आई होप, मुझे लगता भी नहीं किसी को शायद इंतजार होगा, अगर किसी को है तो थैंक यू सो मच. एंड हाँ कि लेट्स एंड अप दिस व्लॉग, एंड भाई अगर किसी को भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये चैनल को प्लीज़ मुझे किसी भी तरह कुछ भी करके ग्रो करना है. एंड आई रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर दिस चैनल, बट टाइम बहुत शॉर्ट होता है मेरे पास. कोई बात नहीं, सो फार सो गुड. अभी जितना हो सकता है उतना हम करेंगे और अच्छे से करेंगे. और हाँ, मेरे को कटिंग करने के लिए उसने मना कर दिया कि दीपक तेरे बाल ऑलरेडी अभी बहुत छोटे हैं, वो तो बाद में कराइए कटिंग, और मैं बाद में करा लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है. बाकी प्लीज़ गाइस शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. और अभी मेरे यहाँ पे लग गई थी, आई थिंक सुबह तक ये इतना मोटा हो जाने वाला है. कोई बात नहीं, तो लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न. हेलो, बाय बाय.